नमस्कार, जायका विद संगी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं टिंडोड़े की चटनी। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। टिंडोड़े की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए टिंडोड़ा, गोल आकार में काट लेना है, 4 हरी मिर्च, कुछ धनिया पत्ता, थोड़े से कड़ी पत्ता, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 2 टेबलस्पून तल, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून अड़द की दाल और 1 टेबलस्पून राई तेल। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में 4 टेबलस्पून तेल ले लिया है, उसमें आप टिंडोड़ा डाल देंगे, हरी मिर्च, लहसुन की कलियां, मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें करी लीव्स मिला देंगे और थोड़ी सी करी लीव्स बचा के रखेंगे तड़के के लिए। 1/2 टेबलस्पून जीरा डाल देंगे और 1/2 हम तड़के के लिए बचा के रख देंगे। 2 टेबलस्पून तल डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि टिंडोड़े का कच्चापन निकल जाए। 3 मिनट और हो चुके हैं, टिंडोड़े भी हमें क्रिस्प नज़र आ रहे हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक मिला लेंगे। बस हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम पीस लेंगे। मिश्रण ठंडा हो गया है, मैंने उसे मिक्सर जार में निकाल लिया है। उसमें हम धनिया पत्ता मिला लेंगे, इसमें 1 नींबू निचोड़ देंगे, 1/2 पानी मिला देंगे। अब इसे हम क्रश कर लेते हैं। चटनी पीस कर तैयार है, अब इसको हम तड़का दे देते हैं। अब एक पैन गरम करने रख दिया है, उसमें 2 टेबलस्पून तेल ले लिया है। तेल गर्म हो चुका है, उसमें हम 1 टेबलस्पून जितना उड़द दाल डाल देंगे, 1/2 टेबलस्पून जीरा और कुछ लाल मिर्ची, 1 टेबलस्पून राई और कुछ कड़ी पत्ते। से मिक्स कर लेंगे। बस ये तड़का तैयार है, हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम चटनी में डाल देंगे। टिंडोड़े की चटनी तैयार है। आप इसे इडली, डोसा, चीला या फिर चपाती पर स्प्रेड करके इसे रोल करके खा सकते हैं। टिंडोड़े की चटनी बहुत ही चटपटी बनी है, आप इसे ज़रूर से ट्राई करके देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय।